देखिए मेरे प्यारे भाइयों, रात के समय गंगा जी का पुल, ये गंगा जी का पुल है और हम बस में बैठे हैं, बस चल रही है। इधर देखिए गंगा जी का पुल है और यहाँ से उतना बढ़िया तो दिखेगा नहीं, अंधेरा अंधेरा है। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, बस से उतर चुके हैं, सरकारी बस से उतर चुके हैं। अभी रात का समय है और बस और कंडक्टर भैया चले गए कहाँ पे, ढाबा पे खाना खाने। ये बाबा ढाबा है ना, यहाँ पे बाबा ढाबा, तो यहाँ पे भोजन करने के लिए चले गए हैं। तो हम भी सोच रहे हैं कुछ भोजन कर लें क्या, क्योंकि रात का समय हो चुका है और घर पे कुछ खाना पीना मिलेगा नहीं, इससे अच्छा अपना यहीं होटल में जो ढाबा है वहीं पर खा पी लेते हैं भैया। सोचिए कितना ट्रेन लेट कर दी, कितना वहाँ पर कितना समय चला गया, काफ़ी लेट हो गया। चलिए कुछ खा भी लिया जाए भैया, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश भी हो रहा है। देखिए ज़मीन गीला हो चुका है पानी की वजह से, बारिश की जो बूंदें पड़ी हैं ज़मीन पे वो गीला हो चुका है। तो हम भी चलते हैं अंदर, कुछ खा लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, ये बाबा का ढाबा है, ये मेन हाईवे पे है जो इलाहाबाद से लेकर गोरखपुर तक जाता है, बीच में मुगराबाद, शाहपुर, जौनपुर, तमाम ऐसे शहर आते हैं, तो उसी के बीच में पड़ता है। और यहाँ पे खाना मिलता है, चलता हूँ मैं भी खाता हूँ, देखता हूँ कैसा खाना है। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, हमारा खाना आ चुका है और यहाँ का खाना, ये 100 रुपये थाली है, खाना तो खा रहे हैं। दाल है, 2 किस्म सब्जी है, रोटी है, चावल है। अच्छे लग रहा है भैया, रात का समय है, भूख लगा है, क्या कर सकते हैं। बाकी सब लोग खा रहे हैं ना बैठ के। मेरे प्यारे भाइयों, ढाबे की रोटी ना बहुत कड़क होती है, जैसा समय रोटी ख़त्म हो जाए ना, उस वक्त एकदम टाइट हो चली जाए। लेकिन पेट भरियो, खाना खाएंगे, बहुत बढ़िया लगा, चाहे जैसा हो, हमारी भूख शांत हो गई है, हमारे लिए वही काफ़ी बात। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, इतनी तेज़ भूख लगी थी ना, प्लेट में कुछ भी नहीं छोड़ा। अभी जा रहा हूँ हाथ धोने, बाप रे बाप, इतना बढ़िया खाना ट्रेन में नहीं मिलता है। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, भोजन हो चुका है, बिल भर के लास्ट में मुंह में सौंफ लेके फिर जा रहे हैं बस में चढ़ने के लिए। अभी लागत वहाँ बस ड्राइवर में नाश्ते का फन कहा वहाँ रुका हम। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, हम मछली शहर भैया थाना पे उतर चुका है, मछली शहर जो थाना कोतवाली हो, लेकिन अभी यहाँ सुनसान है, रात के बज गए हैं, काफ़ी रात हो चुका है। अब इंतज़ार कर रहे हैं कोई साधन मिल जाए तो अपने घर चले, नहीं तो देखते हैं, अगर कोई साधन नहीं मिलता तो अपने घर से किसी बुलाते हैं, कोई आ जाएगा तो उसी के साथ बैठ के निकल जाएंगे। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, हमारे आज़ाद भाई आ चुका है रात के समय, चलो भैया। अगवन हिलो का अगवन हिल का भाई साहब, चल रही है भैया मछली शहर से, चल रही है, रात हो चुकी है, बारिश भी हो रहा है, हल्का हल्का ठंडा ठंडा मौसम, बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं लौकी का बिसार लिया हूँ और मैं सोचता हूँ इसको कहीं गाड़ दूँ तब ये जाम जाए, भैया समझ गए, जाम जाए। ये देखिए ये मिट्टी में बिसार है, लौकी का बिसार। लौकी का जो बीज है उसी को ऐसे मिट्टी में गाड़ दे रहा हूँ। वैसे तो खुरपी से खोद के गाड़ना चाहिए, लेकिन ये मिट्टी नरम है, गाड़ देंगे बारिश पाएगा ना तो अपने आप हो जाएगा भैया, अपने आप बढ़िया से जाम जाए। और मार बड़ी हुई यार, मार लौकी 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 मजे लौकी जाम जाए, समझ गए भैया। तो इसे अपन इन गोद दे, देखिए जगह जगह गोद दे, यह तो गोद दे अपन, एक तो मिट्टी नरम, बारिश हो जाए धसा जाता ही है, समझ गए भैया। देखा बारिश पाए पानी पाए तो होबई करे, जब जमीन में बीज जाए तो अपने आप निकल के बाहर उबई करे, समझ गए। यह देखा ऐसे ऐसे गाड़ दे,
तो ये लौकी का बीज था तो हमने ज़मीन में गाड़ दिया है। अभी दो चार बीज लिया हूँ और सोचता हूँ इधर गाड़ देता हूँ भैया। गाँव में सब सुबह सुबह अपने काम पे निकल जाते हैं ना। पाला जी, अरे भैया तैयार है, हम और अतियम आए गए, हम और अतियम आए रहे, ऐसे चला आए घूमे ठहरे, घूमे ठहरे चला आए। बढ़िया बा, अच्छा अच्छा चला है इसे पाला जी। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, ये घर देख लीजिए हमारे यहाँ, ये हमारे चाचा श्री का घर। इधर थोड़ा रास्ता कीचड़ मिट्टी पाला जी, गुड़वा घर है। अलग मैं सुबह दौड़ बैठे आगे अलग ठीक है मैं सुबह के अलग और तबीयत भी बढ़िया बा। अरे बढ़िया का हुआ है, एकदम कुछ नहीं है, जो में बहुत बुखार पा भैया हां सीधा रहा, बबलू वाली मिल जा रहा है, बबलू उलू यहाँ भी कहाँ मिला रहे, वह सगाई मिला रहे तब से फिर नहीं मुलाकात भाई, अकेले आ रहे राम भैया जय राम। अजय अजय पाला की और भैया महेंद्र का हाल बा, धान लगत बा अबे नहीं आये, हाँ आए हैं ना, बात बात हम रात वाली ट्रेन में रहे नहीं भी जय राम पाला की और बढ़िया बा, का हाल चाल बा, चला ठीक और तबीयत पानी बढ़िया बा, चला ठीक है, जो पैसे लागत सुना है, अच्छा 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 चला ठीक और भैया का हाल चाल बा, चलो ठीक है धान लग लगा, अच्छा धान लगा था ये देखा भैया, ये हमारे दादी घर हो, ये इनका भाई सो, ये इनका मढ़ाई चढ़ाई हो और भैया देखा है सब ऐसे है ना, अपन चलो बीतत बो दादी ये देखा बेटवा जेका जय दिन बीता चल उतना ही, हाँ ये जिंदगी कुछ बा ना, हाँ पाला की और का हाल बा, तबीयत भी सही बा, ये काल भाई कहा था ही, कहा था ही बिया सिया ना आई दे है, क्या जाने ना ही आवाज जाता है, वो सब एक खाई था माउखी है यहाँ पर, हाँ तो आई है दोनों हाउ जने आई गए, हाँ तो सही बात बाब लगावा भाई आई है, हाँ बाप बेटा चला चला वो बढ़िया ना, हाँ ठीक ठीक बढ़िया बेटा पाला की और का हाल चाल बा, कब आया, आज ही आए, अच्छा और ठीक बा, तबेला ठीक है बा, खाना खाए भाई कहाँ, खाना भैया भाई सचिन भी है, खाए ना माँ खाए है, हाँ चल तबीयत पानी बढ़िया बा, जी रा जी है कुछ ठीक है, चल और जीवन बढ़ पाएगी, हंस बोल रहा अपन बस उतने काफी, शरीर जब तक बढ़िया चलत बस सही बटे, हाँ देखा भैया इसे हमारे सबके चूल्हा खाना बनत है आज, गैस वैस बा लेकिन गैस उतना यूज ना है, गैस से खाना सही ना होते, अपन ये चूल्हे खाना होता बढ़िया से पेट में हजम हो जाए, कहो किस ना, हाँ तो सब है कि हमारे यहाँ देखते मतलब बकरी उखरी सब किया, चूल्हे खाना जितना हो सब बनत बटे बढ़िया होते हैं, हमारे चारा चूल्हे खाना चूल्हे पर बनत है, गैस बा गैस चुकी बात है, इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी के लिए तकलीफ पेरा में अपन बनाए लेन, और चूल्हो पर खाना जितना अच्छा हो तो उतना कैसी अपन नहीं होते।